अस्सलाम वालेकुम वीवर, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। कमर्शियल रेसिपी है ये, तो कमर्शियल रेसिपी में हमेशा कारोबार के लिहाज से ही वीडियो बनाई जाती हैं। तो कमर्शियल रेसिपी है, गौर से देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप ये घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा आपने घर में कैसे बनाना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा कि आपने इसकी क्या तैयारी करनी है, क्या इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, वो मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें व्यूवर्स। यहाँ पे हमने लिया है 5 किलो खोया, ठीक है, मेलट किया हुआ खोया, अच्छा किस्म का खोया ये। तो इसको हम पहले अच्छे तरीके से पकाएँगे, इसका जो नमी है वो इसमें थोड़ा सा, थोड़ा बहुत जो पानी होता है इसमें अगर कहीं रह जाता है तो थोड़ी बहुत नमी होती है, तो इसको हम अच्छे तरीके से खुशक करेंगे। अच्छे तरीके से खुशक करेंगे, दरमियानी आँच पे आपने इसको पकाना है। अगर आपने घर पे पकाना है तो दरमियानी आँच पे आपने इसको पकाना है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने को इस पकाएँगे आप। तो माशाल्लाह खोया हमारा ज़बरदस्त और सारा मेल्ट हो गया और काफ़ी हद तक ये थोड़ा खुशक भी हो गया। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा इसको खुशक करने का मकसद ये है ताकि चीनी एक आपकी जल्दी घुल जाएगी, तो दूसरा आपकी बर्फ़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 किलो चीनी शामिल की है इसमें, 5 किलो खोया और 2 किलो चीनी हम इसमें शामिल किया। स्पेशल बर्फ़ी बना रहे हैं ये, तो माशाल्लाह से बर्फ़ी हमारी अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई है। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी व्यूअर्स। यहाँ पे हम इसको पकाते जाएंगे, माशाल्लाह चीनी भी जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो इसकी चीनी जो है वो घुलती जाएगी। इसी तरीके से ये चीनी जो है हमेशा इसकी बर्फ़ी के अंदर सारी घुल जानी चाहिए, चीनी रहनी नहीं चाहिए। अगर चीनी रहेगी तो बर्फ़ी के अंदर चिपचिपाहट रहेगी जी। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बर्फ़ी है माशाल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो गई है, और इसको हल्के हल्के से उबालने भी शुरू हो गए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह उबालने भी शुरू हो गए, अब उसको चेक भी करा देंगे। मज़ीद आपने इसको सिर्फ 3 से 4 उबाल देने हैं अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको बताऊंगा सही कि आपको बर्फ़ी का चेक करने का तरीका कार जो है वो बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि बर्फ़ी आपकी कैसे रेडी हो गई है, ये भी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। अगर आपने घर पे ये बनानी है तो उसका मुकम्मल तरीका कार इस वीडियो को मैं आखिर में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल कोई चिपचिपाहट नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त और खुशक तरीके से बर्फ़ी हमारी रेडी होगी। इसको हम उतार लेंगे नीचे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और थोड़ा सा हम इसको घोटेंगे ताकि इसका जो थोड़ा बहुत कोई दाना वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए और बर्फ़ी का जायका जो है वो अच्छा हो जाए। तो आपने घर पे बनानी है तो आपने 1 किलो खोया लेना है और उसमें 200 ग्राम आपने चीनी शामिल करके आपने उसको पकाना है। 1 किलो खोए को आपने 200 ग्राम चीनी शामिल करके पकाना है, तो दरमियानी आँच पर पकाना है, हल्के हल्के 2 उबाल दिलवाने और बर्फ़ी उतार कर ठंडी कर लेनी है बिल्कुल ज़बरदस्त। नीम गर्म हो तो आपने इसको किसी डिश के अंदर आपने डालना है। यहाँ पे माशाल्लाह बर्फ़ी जो हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है ज़बरदस्त, इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे पीसी हुई इलायची, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म से हम आपको बता रहे हैं। और इलायची लगा कर हम इसको एक प्लेट की मदद से इसको मिक्स कर देंगे। प्लेट की मदद से मिक्स करने का मकसद ये है कि एक तो बर्फ़ी जो है प्लेट को चिपकती नहीं है, और हल्का सा आयल लगा के आप प्लेट को इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और एक ट्रे के अंदर इसको निकाल देंगे मिक्स करके। ठंडी हो गई, नीम गर्म है, हल्की नीम गर्म है, तेज़ नीम गर्म नहीं है ये, तो इसको हम एक डिश में निकाल देंगे। तो एक डिश में हमने सबसे पहले थैली लगानी है आयल की मदद से, पहले हम नीचे आयल लगाएंगे, ऊपर थैली लगा के इसको कवर कर देंगे। इसके बाद बर्फ़ी हम इसमें सारी डाल के 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद
जो है वो हम बर्फी एक टेबल के ऊपर, जो हमारा सांचा है, जो हमारी ट्रे है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी कटाई शुरू करेंगे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त किस्म से, बहुत ही सॉफ्ट और शानदार, ना कोई परेशानी वाली बिल्कुल ज़रा सी भी बात नहीं है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पीसेस बन रहे हैं और हमारी बर्फी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने भी अपनी राय से आगाह ज़रूर करना है। तो पीस मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के, बिल्कुल 35 से 40 ग्राम का पीस होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और जितना पीस छोटा कटेगा उतना ही खूबसूरती के साथ ये आएगा जी। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स बर्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।